हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं काफ़ी हाइट पे लग रही हूँ नहीं आपको? आपको जैसे पता है कि हिमाचल में पिछले 2 दिन में बहुत बर्फ़बारी हुई है। मनाली, शिमला, जहाँ पे बहुत सारे बाहर से, हिमाचल के बाहर से लोग आए हैं यहाँ पे बर्फ़ का मज़ा लेने के लिए। जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, जो 1 जनवरी थी, कि बहुत जल्द जिला किन्नौर में बर्फ़बारी होने वाली है, क्योंकि ठंड बहुत हो गई थी। तो मुझे लग रहा था कि आने वाले दिनों में ज़रूर ऐसा अच्छा टाइम आएगा जो बर्फ़बारी होगी। तभी मैंने जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको कहा था कि आप लोग जिला किन्नौर आइए। और आपको पता है न्यूज़ वाले क्या बोलते हैं, या प्रशासन वैसे ठीक बोलते हैं, वो उनकी बात सुननी चाहिए। तो वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आप लोग घरों से बाहर मत निकलिए। मैं बोलती हूँ घरों से बाहर निकलिए, घरों से बाहर नहीं निकलोगे तो मज़ा कैसे आएगा। ये देखिए, आज तो खैर हम भी घर से बाहर रिस्क पे नहीं निकले, तो हम तो गांव में ही है। तो ये देखो सामने, ये आप धूप और हम यहाँ पे, तो पीछे आप देख सकते हैं बर्फ़बारी का बहुत सुंदर नज़ारा। और ये हमारे जो मेरा विलेज है चगाँव, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ता है, तो यहाँ पे मैं, हम उसके बिल्कुल ठीक जो आगे दिख रहा है विलेज के ठीक ऊपर खड़े हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पे नज़ारा है पहाड़ों का, आप लोग देख सकते हैं पीछे। ये देखिए पूरे पहाड़। ये देखिए, सच में अगर दुनिया में कुछ खूबसूरत है तो सच में जिला किन्नौर बहुत खूबसूरत है। आप लोग जिला किन्नौर आइए। जिला किन्नौर एक ऐसे जगह है जहाँ पे आप बाहर रहते हो साल भर का टेंशन और बहुत सारा स्ट्रेस, तो आप यहाँ आओगे वो सब ख़त्म हो जाएगा। जैसे आज हम यहाँ मज़े कर रहे हैं खूब सारा। ये देखिए, ये बैठे हैं, दिख रहे हो आप दोनों? दिख रहे रचना दी, ये अमीषा दी और ये मैं, और हम तीनों ने खूब मज़े किए हैं। अब आप देख सकते हैं अभी भी हम खूब मज़े करेंगे। बस गिर जाओगे ऐसे ही। आप सभी भी अगर मज़ा करना चाहते हैं तो जिला किन्नौर जल्द से जल्द आइए और यहाँ के बर्फ़ के मज़े लीजिए। शिमला जाइए, मनाली जाइए, पर टाइम मिले तो मुझे लगता है इनसे दूर जाना पड़ेगा। टाइम मिले तो आप लोग किन्नौर भी जरूर आइए। मुझे बहुत सता रहे, देखा है? ये एकता का फायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे। नहीं नहीं बस हो गया हो गया। आप लोग भी इस तरह का अगर मजे लेना चाहते तो प्लीज आप लोग जहाँ भी आपने मजे लेने, जहाँ आपको सही लगता है आप वहाँ जाइए। बाकी तो मैं आप सबको आज क्या बोलूँ, वो ज़्यादा तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, तो ज़्यादा मैं आपको बोल क्या सकती हूँ। लेकिन हाँ, काफ़ी दो एक साल हो गए थे बर्फ़ नहीं पड़ रही थी, तो इस बार दिसंबर लास्ट और अभी जनवरी में अभी बर्फ़ पड़ी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जो हमारे यहाँ पे जो पेड़ होते हैं सेब के, उसके लिए बर्फ़ बहुत ज़रूरी है। जितना इंसान के लिए खाना ज़रूरी है, उतना सेब के पौधों के लिए बर्फ़ का होना ज़रूरी है। वैसे तो आप सबको पता होगा बर्फ़ पड़ती कैसी है, मतलब बर्फ़ गिरती कैसी है। तो आप सब नज़ारा देखिए पहाड़ों का। जैसे कि मैं बता रही थी कि जो हमारा देश है वो युवाओं का देश है, यहाँ पे सीनियर सिटीज़न वैसे ही बहुत कम है। अगर आपके आसपास कोई सीनियर सिटीज़न है तो प्लीज़ आप सब उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जानने की कोशिश करिए कि उन्होंने जीवन में किस तरह का, उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष देखा, किस तरह की उन्होंने तंगी देखी, तकलीफ देखे। जिला किन्नौर आज तो बहुत संपन्न जिला है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन एक टाइम जिला किन्नौर ऐसा था, यहाँ पे लोगों के पास सेब के बगीचे नहीं हुआ करते थे और बहुत कुछ यहाँ के लोगों को जानकारी नहीं थी। तो यहाँ के लोग भेड़ बकरी पाल करके अपने जो खेतों से जो अनाज आता है उसके आधार पर अपना जीवन यापन करते थे। तो इस तरह का यहाँ पर प्रॉब्लम
शौक था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के बच्चे यहाँ से बाहर पढ़ते हैं, दूर पढ़ते हैं, जिनके परिवार वाले अच्छी जॉब करते हैं, तो वो लोग भी बाद में आरक्षण का फ़ायदा उठाते हैं जो ST ST है, तो मुझे लगता है उनको ये छोड़ देना चाहिए। आप सब देख सकते हैं आज देश में आरक्षण को लेकर इतनी लड़ाइयाँ हैं, तो मुझे लगता है कि जब इंसान को लगता है कि मैं इतना हो गया हूँ कि मैं लड़ सकता हूँ, या मैं ट्राइबल जितना मेरा मतलब मैं बाहर पढ़ता हूँ फिर भी मैं ट्राइबल का फ़ायदा उठा रहा हूँ, तो मुझे लगता है उनको ये जो ट्राइबल का कोटा है वो छोड़ देना चाहिए। और भी देश में बहुत गरीब लोग हैं, बहुत लोग हैं जिनको आरक्षण की ज़रूरत है, लेकिन वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन कब तक हम ये सोच के रहेंगे कि जिला किन्नौर एक बंद समूह बनकर रहेगा? तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बाहर के लोगों को भी अपना सकें। आप लोग सोचो, हम खुद सोलन शिमला चंडीगढ़ में जाके बसते हैं और हम चाहते हैं कि जिला किन्नौर में कोई ना आए, तो शायद ये हमारी सोच है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ बाहर के लोग आकर बस जाए या कुछ करें, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं बाहर के लोगों के लिए एक ऐसी भावना है कि नहीं हमारी संस्कृति को ख़राब कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा देश एक है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम सिर्फ किन्नौरे नहीं हैं, हम भारतीय है, भारतीय, सबसे पहले हम भारतीय है, उसके बाद हम जिला, हाँ किन्नौर के निवासी है हम, लेकिन हम भारत के लोग सब एक है। अगर यही भावना लेकर हम अगर देश में और नई युवाओं को अगर हम यही सोच आगे बढ़ाएंगे, तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा लोग क्षेत्रवाद जैसी भावनाओं में मतलब कि घिरे हुए लोग, वो क्षेत्रवाद से उठकर राष्ट्रवाद पर पहुँचेंगे। तो आज मैंने बहुत कुछ बोल दिया, वैसे मेरा चैनल कुछ खास नहीं है, इसमें मैं जो भी बोलती हूँ, जो मैं सोचती हूँ मैं वही बोलती हूँ, और हो सकता है कि कई लोगों को मेरे सोच से प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, बाय।